अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ है। मैं यादाद्री भोनगी डिस्ट्रिक्ट का वक्फ प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर हूँ। ऑफिशियल गवर्नमेंट अपॉइंटेड हूँ। मैं अमजदुल्ला खान साहब से रिक्वेस्ट कर रहा था कि यहाँ पे यादाद्री भोनगी डिस्ट्रिक्ट की गरीब आवाम के लिए आप राशन तकसीम करिए साहब बोल के। साहब मेरे कहने को इमीडिएट मान लिए। यहाँ के हालात में बताया था साहब को, जो है ना साहब इमीडिएट मान लिया। और पिछले 5 सालों से यहाँ पे कंटिन्यूशन अमजदुल्ला खान साहब के ज़रिए यहाँ पे राशन आ रहा है। ये अमजदुल्ला खान साहब को आप लोग सब लोग जानते हैं। ये अमानुल्ला खान साहब के बेटे हैं, ये जो MBT पार्टी के फाउंडर है। पहले MIM पार्टी चलाते थे, खास कुछ वो कुछ होने से वो पार्टी से हट गया। खुद की ओन पार्टी है, MBT के स्पोक्स पर्सन है प्रेजेंट यहाँ पे। और इंटरनेशनल लेवल में अभी इनके प्रोग्राम चल रहे हैं, वो भी आप सब लोग जानते हैं। मैं अमजदुल्ला खान साहब से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ साहब, यहाँ के गरीब आवाम के लिए आप राशन के लिए नहीं हो बल्कि दूसरे और कुछ भी चीज़ें रहे तो ये लोगों को मद्देनज़र रखिए साहब। जैसे आपके पास बहुत स्कीमा चलते रहते हैं, मशीन वगैरह के, कपड़े सीने की मशीन या बच्चों के स्कूल के पढ़ाएँ, ऐसे बहुत सारे आपके स्कीम चलाते रहते हैं साहब। अल्हम्दुलिल्लाह आपका नाम बहुत रोशन है पूरे तेलंगाना में नहीं बल्कि सारी दुनिया में। कोई बड़ी बात तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, सारी दुनिया पूरी पहचानती है अमजदुल्ला खान खालिद को। नहीं बोले तो हैदराबाद के MBT के स्पोक्स पर्सन है बोल के बोल देते। अल्हम्दुलिल्लाह से इनके बड़े भाई जो है ना एडवोकेट साहब है हाईकोर्ट के। मैं एक छोटा एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ, जो आलेर के जो हरेन पांडा के गुजरात के केस में अपने नौजवानों को अरेस्ट कर रहे थे हैदराबाद में, वो लोग अमजदुल्ला खान साहब के बड़े भाई जो हाईकोर्ट के एडवोकेट है अपना खुद का पैसा लगा के वो लोग परसों में एक हफ्ता 8-10 दिन पहले वो लोगों की रिहाई करे। वैसे कई केसेस है जो सऊदी में, UK में और USA में जो भी यहाँ से लोग कमाने के लिए जाते हैं गरीब आवाम लोग, वहाँ पे जो भी लोग वहाँ पे फंस जाते वैसे लोग जो है ना अमजदुल्ला साहब से मुतालबा करते कि साहब हमारे को ऐसी परेशानी आ गई, हम लोग वहाँ पे कमाने के लिए गए थे लेकिन हमारा एजेंट ऐसा करा, हमारा कफील ऐसा करा बोल के हम परेशान ऐसे बोल के वो जो है ना इंडियन एम्बेसी को और वहाँ के जो भी है ना सऊदी एम्बेसी से बात करके वो लोग के परेशानियाँ सारे हल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका शुक्र गुजार हूँ क्योंकि हमेशा गरीब आवाम में रहते हैं। रमज़ान में तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। प्रजा दरबार जो चला रहे हैं अमजदुल्ला साहब, वो 1 साल मुकम्मल हो गया परसों जो है ना। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह में 4-4 बजे तक शहरी के अमजदुल्ला खान साहब प्रजा दरबार चला रहे हैं। कोई दिन नहीं, टाइम नहीं, रात नहीं, ऐसे वक्त पे गरीब लोगों तो इतना फ़ायदा उठा रहे हैं अमजदुल्ला खान साहब से। बगैर मजहब मिल्लत SC ST BC माइनॉरिटी ऐसे लोगों के लिए खिदमत गुजार हैं। मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि एक मसीहा अमजदुल्ला खान साहब एक मसीहा बनकर गरीब आवाम की मदद कर रहे हैं। मैं और एक बार मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि ये ज़माने में कोई भी नहीं करता माँ अपना खुद का ज़ाती पैसा लेके और कहीं और के पास से लेके कुछ डोनर्स वगैरह लेके सिर्फ गरीब आवाम के बारे में। किसी को कुछ हुआ तो फौरी पुलिस स्टेशन पहुँच जाना, वहाँ पर धरना दे देना। इसमें कोई पार्टी ऐसा कुछ नहीं देखते, चाहे वो MIM पार्टी का वर्कर भी इनसे काम ले लेता आगे, सब हमारे लोग हमारी नहीं सुनते, हम लोग ऐसे परेशान है बोल के। वैसे भी इन्हें पार्टी नहीं देखते, MIM वालों की भी जाके मदद करते हैं और दूसरे दीगर पार्टीज़ की भी मदद करते हैं। इनके पास पार्टी से ऐसा कुछ भी नहीं रहता, इनके पास जो भी लोग जाते हैं वो कंपलसरी मदद लेकर ही आते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ। और एक बार मैं यादाद्री भोनगी डिस्ट्रिक्ट के लोगों की तरफ से मैं अमजदुल्ला खान साहब का बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैडम चलो आप लोग बात करते हैं। अम्मा हाँ ठीक है। क्योंकि कितना भी बोले तो कम है अमजदुल्ला खान खालिद साहब के बारे में। मैं ज़्यादा नहीं बोला, मैं ये राशन ही नहीं बल्कि उनको आप लोग समझ में आ गया ना, ऐसा लाखों की ढेर बिछाए थे, वो इंसान है, हूँ एक मसीह है अपने गरीब आवाम के लिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं इशरत जहां, नेशनल ह्यूमन राइट्स स्टेट PRO। आप लोग तो जानते हैं मेरे को। हम लोग अमजदुल्ला सर से रिक्वेस्ट करे थे, झोपड़ियों के पास आई थी मैं, झोपड़ियों का हाल देखी थी।
और सर से रिक्वेस्ट करी थी कि एक विज़िट करिए आप यदाद्री डिस्ट्रिक्ट की, क्योंकि यहाँ के गरीबों को मद्देनज़र रख के आप कुछ करिए, क्योंकि हैदराबाद में तो हम बहुत नाम सुने हैं। अमानुल्लाह सर का नाम तो हम बचपन में सुने थे, उसके बाद में फिर हम सर का नाम सुने हैं कि बहुत सारे लोगों के मुसीबत हल होती, इनके प्रजा दरबार में रात भर लोग आते जाते, हर कोई मुसीबत की हल करते हैं सर। रंगेलापल्ली रवि साहब यहाँ के भोलगिर के 35 वार्ड के कांस्टेबल हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टेज पे आइए। आइए। एसीपी सर आते ना, एसीपी सर आते यहाँ। स्वास्थ्य बड़ा है, लाल चेयर हटा दो। बेटा तो आ जा, इधर आ जाओ ना। बैठो बैठो ना, कुछ ना कुछ तो हम अमजदुल्ला सर से रिक्वेस्ट करे थे कि एक बार यदाद्री डिस्ट्रिक्ट आइए। 27 वार्ड के काउंसलर सलाउद्दीन भाई साहब आए हैं, आपका इस्तकबाल है यहाँ पर। अमजदुल्ला सर आए हैं यहाँ पर। तो हम अमजदुल्ला सर से रिक्वेस्ट करे थे कि यहाँ के गरीबों की कोई मदद करिए आप, क्योंकि जब भी हैदराबाद में प्रजा दरबार लगता वहाँ पर बीमार लोग आते, उनकी दवादारी होती है, और लड़ाई झगड़े वाले आते हैं, फैमिली प्रॉब्लम लेके आते हैं, किसी के बच्चे बाहर फंस गए वो लोग आते हैं, कई मुसीबतों से जो जो जूझ रहे हैं वो लोग अमजदुल्ला सर के पास आते हैं। पार्टी से जीत के MLA MP हूँ मैं ऐसा वैसा बोल के कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ MPD पार्टी के स्पोक पर्सन हैं, मगर उनका दिल इतना बड़ा है कि एक फरिश्ते जैसे इंसान हैं जो सबकी मदद करते हैं बिला मजहब व मिल्लत। हर कौम का इंसान इनके प्रजा दरबार में आता और कोई खाली नहीं जाता। तो हम चाहे कि एक बार ये यदाद्री डिस्ट्रिक्ट आए, यहाँ के मजबूर लोगों को भी देखें और इन लोगों को भी मद्देनज़र रखते हुए इन लोगों के छोटे छोटे जो झोपड़पट्टी में रहते हैं उनके बच्चों का स्कूल का ख्याल करें सर, और उन लोगों के जो झोपड़पट्टी वाले हैं उन लोगों को कहीं घर नहीं मिल रहा है। एक जगह ये लोग झोपड़पट्टी लगाते हैं, वहाँ जब कंस्ट्रक्शन होता तो ये लोग फिर बेचारे दूसरी जगह जाके रहते हैं। इन लोगों का कोई एक कोई ठिकाना नहीं है इन लोगों का कि ये हमारा घर बोले जैसा। तो हम सर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर से जो हो सका इन लोगों के लिए कुछ करिए, जो गरीब है उनके लिए कुछ कपड़ों का बंदोबस्त है, पढ़ाई के लिए है, कोई लंगड़े लूले है तो उनके लिए है, कोई अपाहज है तो उनके लिए। सर यहाँ आए तो ये सब देख के मद्देनज़र रख के हमारी यदाद्री डिस्ट्रिक्ट की कोई खिदमत करे तो हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सर का। और आज हम यहाँ सर को बुलाने का मकसद ये है कि एक बार सर यहाँ की आवाम को देखें, क्योंकि अब लोग धुपकाले की वजह से बहुत कम लोग आए हैं, थोड़े बहुत बीमार हैं इसीलिए आ नहीं सके, थोड़े लोग आके इंतज़ार करके गए हैं, अभी जो यहाँ आए हैं सिर्फ सर से बात करने देखने के लिए आए हैं कि सर हमारी इतनी खिदमत करते, हर रमज़ान में हमको राशन भी जाते बराबर, हम यहाँ से मैसेज बना के भेजाते हैं और सर वहाँ से राशन भेजाते हैं हर साल, और अब के भी हम मैसेज बना के भेजा है। सर खुद आए, हम खुद रिक्वेस्ट करे थे कि सर एक विज़िट करिए यदाद्री डिस्ट्रिक्ट की, आज सर यहाँ पर आए हैं, हम तहे दिल से पूरे मिल के शुक्रिया अदा करते हैं सर का। थैंक यू सो मच सर। क्लिप दबाओ जी दबाओ। नाम पुकारो। जलीलपुरा 27 वार्ड कांग्रेस पार्टी काउंसलर, मैं सलाउद्दीन साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने ख्याल इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद सलाउद्दीन है, 27 वार्ड काउंसलर कांग्रेस पार्टी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे MBD अमानुल्लाह खान साहब की और फर्जन अमजदुल्ला खान साहब की। हेलो, मैं ACP साहब का इस्तकबाल करता हूँ, यहाँ पे स्टेज पे आई है। भोलगिर राजा बंडा कमिश्नरेट ACP वेंकटरेड्डी साहब का मैं इस्तकबाल करता हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ लाई है। अतिले मारो क्लैप्स मारे। ACP वेंकटरेड्डी साहब का फिर से मैं इस्तकबाल करता हूँ, स्टेज पे आइए। आज यहाँ बहुत बड़ी खुशी की बात है कि
पब्लिक भी, हमारे लेडीज़ भी आज आके बैठे हुए हैं। मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे औरतें भी आज बाहर निकलने का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारे गुड़चों के आज लोगों को देख रहे होंगे, आज लोग कॉलेज में जो गुजारा कर रहे हैं बहुत हमारी शर्मिंदगी की बात है। आज हमारे साहब बैठे हुए हैं मौजूद सामने, और इनकी मैं हैदराबाद कहीं भी गया तो मैं इनकी तारीफ़ सुनता हूँ, लेकिन कभी भाई साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई। आज मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं क्या बोल सकूँ मैं उनकी तारीफ़, मैं कितनी भी तारीफ़ करा तो उनकी कम है। देखो आज हमारे गुड़छा वाले यहाँ बैठे हुए बेचारे, इनका कोई ठिकाना नहीं है, ना घर है ना दार है। लोग बेचारे फुगे बेचते हैं और गद्दे बेच, इसमें गद्दे वाले भी है फुगे वाले भी है बेचारे। जो भी फंक्शन होती है वहाँ फंक्शन में खाना भी बच गया तो लेके दे दिए तो खा लेते हैं लोग, नहीं बोल के कभी नहीं बोलते बेचारे। ऐसे लोगों को ठिकाना नहीं है, ये लोग को ठिकाने की ज़रूरत है। और आपसे कुछ भी अगर मदद हो रही, आप जहाँ भी करते हैं, आपका ट्रस्ट जो है बहुत माशाल्लाह, मैं जहाँ भी जाता हूँ आपकी तारीफ़ सुनता हूँ। आप एक नज़र, छोटी सी नज़र हमारे एक भोनगिर में भी आप डालिए बोल के मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। आप ज़रूर हमारे भोनगिर में, हमारे यादाद्री डिस्ट्रिक्ट में मुसलमान बहुत सारे लोग पीछे है, सामने नहीं आ रहे। सामने आने का ये मौका है, क्योंकि आज मुसलमान देखो बहुत पीछे है, किसी को पढ़ने नहीं आता, पढ़ाई के हद तक पूरे मुसलमान आज पीछे है, दलित से भी पीछे है। आज दलित आगे है, मुसलमान पीछे है। इसलिए आपसे बराए मेरी मेहरबानी है कि आप पढ़िए लिखिए। आपको भी एक से एक तेलंगाना में हमारे पोस्टा खाली है, इस पोस्टों को आप भी भर्ती करिए। हमारे वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब, कांग्रेस के परेड में मुसलमानों के लिए 4% दिया गया, उस 4% को आप इस्तेमाल करिए। आप वो 4% को आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, कभी भी आप क्या है ये रेशन कूपन, ये कूपन के चावलों में गुजारा है आपका। आप भी हम जैसे बनिए। आज मेरे को, आज हमारे महल्ले वाले मेरे को, आज हमारे चमड़े वालों का तोहफे लेके मैं आज ये कुर्सी में बैठा हुआ हूँ। आज अगर मेरे को वो लोग आज वोट नहीं डालते तो मैं आज ये कुर्सी में नहीं बैठता था। आज वही हमारे अमजदुल्ला खान के साथ मैं नहीं बैठ सकता था, आज हमारे ACP साहब के साथ भी मैं नहीं बैठ सकता था। आप भी इस जगह को कायम रखिए, आप पढ़िए, ऐसी मेरी सर की कुर्सी आप लीजिए। मैं आज फ्रॉड करता हूँ कि एक चमड़े वाला बन के मैं आज कुर्सी में बैठा हुआ हूँ, मैं फ्रॉड करता हूँ आज इस, क्योंकि मैं आज एक चमड़े वाला हूँ। आज वो चमड़े वाले को मेरे को आज कुर्सी पे बैठा है, लेकिन चमड़े वाले बोलते कारोबार चमड़े का है, बस आज नहीं है वो कारोबार, क्योंकि हम जो मेहनत करें उसको कभी नहीं भूलना। मनुष्य एंत एदिगना यानी ओदिगे उंडाली, दाने फ्रॉड का चूपिंचकूडदु, अदि मन सिद्धांतम। ई अवकाशम इच्चिन मेरकु ये जो मोहा दिए है हमारे बड़े आत्माओं को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अमजदुल्ला खान से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे यादादी डिस्ट्रिक्ट में आज हमारे मुसलमान पीछे हैं, भाई से अब मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक नज़र हमारे लोगों को देखिए, शुक्रिया। मैं 35 वार्ड का काउंसलर तंगेलापाली रवि साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना ख्याल आपको पेश करें। तेलुगु में बात करते हैं। तेलुगु में बोलो आप, हमारी भी सेकंड लैंग्वेज तेलुगु है, बोलिया। अभी बहुत बड़ा लीडर अमन नगर साहब का जरे कुड़को है ना अमजदल कार की MBT तरफ ना सर चाना गुप्पा इन्ना इंत मुझे हईदराबाद मुस्लिम महिला यानी पेदवारी इंट कि वेरे इतर अवसर उड़ा आये स्वयं दरबार पेटी प्रति ओखर चलिए हईदराबाद मित्र जी इलाते मैं इंतिहास ना पीवड़ इड़क राव इप्डू कमांडर गुरी अगर धर्ना चेयर जरिए एदना भुवनगिर मुस्लिम मैनारटी की संबंधी कुछ पर्सेंट इशपड़ते 10-20% चाने अंदर पेदवारी संगति भुवनगिर पटना वारी रंजा किटे वमजन गार प्रत्येक कांग्रेस राष्ट्र कार्यदर्शी वारी नमस्कार अलागे वारसम कांग्रेस पार्टी वैएस राजशेखर गुड़ 4% रिजर्वे
ఇలా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 12% రియల్టెడ్ చేస్తారని వాళ్ళందరినీ మోసం చేసిన సంగతి ప్రత్యేకంగా సాక్షి చెప్పవలసిన అవసరం లేదని కూడా సంతానం తెలియజేస్తూ వారికి పూర్తిగా న్యాయం చేసే వరకు ఓట్ల కోసమే మైనార్టీ ఓట్ల కోసం వాడుకుంటున్న ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీని ఈ రాష్ట్రంలో వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇప్పుడు కాలు బియ్యం కోసం పింఛన్ల కోసమే తప్ప వాళ్ళు ఓట్ల రూపాన్నే రంజాన్ వచ్చిందంటే బక్రీద్ వచ్చిందంటే ఇఫ్తార్ ముందు ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళ ఓట్లు ఎన్న కొట్టుకోవాలని చూస్తున్న ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి గతంలో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇందిరాగాంధీ రాజీవ్ గాంధీ గారు ఏ విధంగా ఉన్న సంగతి కూడా మీరు ఒకసారి నిమ్రవేయాలని కూడా అందరము కూడా తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అంజన్ల గారి గారికి అలాగే ఈ కార్యక్రమాన్ని ముఖ్యంగా అతిథి వచ్చిన ఏసీఫ్ గారికి నాతో పాటు వచ్చిన కౌన్సిలర్ సలావుద్దీన్ గారికి కోఆప్షన్ సయ్యద్ ముల్తాన్ షా గారికి మిగతా వేదికమైన పెద్దలందరూ తెలియజేస్తూ ముఖ్యంగా ఈడ ముస్లిం మహిళలకు నాకు తెలిసినంత వరకు చాలా పేదవారికి ఇల్లు అటువంటి లేవు కాబట్టి ప్రత్యేకంగా మీరు అన్న పేదవారిని సర్టిఫై చేసి ఇల్లు లేని నిరుపేదలను మీరు హక్కును చేర్చుకొని మీ వంతుగా ఎంతమందికి అయితే అంతమందికి నిర్మించాలి నిర్మిస్తే పర్మనెంట్గా వాళ్ళకు ఒక సౌకర్యం ఉంటుందని కూడా ఈ సందర్భం తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అన్నగారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం. जनाब अमजदुल्ला खान खाले साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने हालात को इजहार करें यहाँ पे पेश करें. रेस्पेक्टेड एसीपी भुवनगिर वेंकट रेड्डी साहब, रेस्पेक्टेड कॉर्पोरेटर सैयद काम पर हैं, यानी पहले हमारे जनाब मोहतरम सलाउद्दीन साहब और एक हमारे कॉर्पोरेटर जी रंगेला पल्ली और एक हमारे कॉप्शन मेंबर भी हैं यहाँ पर मुल्तान शाह और आज महफिल के हमारे हीरो हमारे इम्तियाज़ साहब ह्यूमन राइट्स कमीशन के हमारे सैयदा इशरत जहां और दीगर साथियां बहुत मुख्तसर वक्त में आपसे मैं इस भुवनगिर डिस्ट्रिक्ट से मेरा तकरीबन 5 साल से मुसलसल ताल्लुक़ है. हर रमज़ान के महीने में जो है हमारे अहमद मियां जो है हमारे को फ़ोन करते तो हम कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करके कुछ राशन भिजाते. 2 लॉकडाउन में तो बहुत तकलीफ़ हुई यहाँ के लोगों को. यहाँ के जो मज़दूर पेशा लोग है जो पत्थर का काम करते और जो मेहनत मज़दूरी करते, कुछ लोग वो रुई के गद्दे का काम करने वाले है, डिफरेंट कैटेगरीज हैं यहाँ पर, तो उनके लिए जो है मुझे आज से तकरीबन 4 या 5 साल पहले एक वीडियो भेजे थे जो बिल्कुल पहाड़ पे झोपड़ियों में लोग रोज़ा रह रहे हैं और उनके लिए अनाज नहीं है. तो हर साल ऐसा होता है कि कोई नया आदमी आता है, ये जो भी सामान है ये मैं मेरी तरफ़ से नहीं दे रहा हूँ, ये भेजने वाला कोई और है, हमारे MRO साहब भी आए हैं. तो एक्चुअली ये जो भी हम आपको सामान भेजते हैं इसका हम लोग क्राउड फंडिंग करते हैं, दिस इज़ नॉट फ्रॉम माय साइट. तो हम क्या करते हैं, हमारा एक्चुअली मैं हमारे MRO साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर आए. तो एक्चुअली व्हाट इज़ ये हमारा प्रजा दरबार का जो कॉन्सेप्ट है मैं थोड़ा उसके लिए बोलना चाह रहा हूँ कि ये फर्स्ट लॉकडाउन एंड सेकंड लॉकडाउन के बाद में मुसलसिल लोग परेशान थे, कहीं घर का किराया नहीं दे सक रहे थे, ऑटो का फाइनेंस नहीं दे सक रहे थे, लोग बीमार दवाया नहीं ला सक रहे थे. तो एक दिन मेरे ऐसा तो मैं बहुत पहले से काम करता था लेकिन एक मरतबा ऐसा हुआ कि हमारे महल्ले में एक गरीब बच्ची की शादी थी, तो उस शादी के लिए जो है रात के 12 बजे वो लोग आकर मुझे ये बोले कि सिर्फ 2 दिन है साहब शादी के लिए, हम कहीं ज़मीन बेच के पैसे लाने वाले थे, वो ज़मीन बिकी नहीं और हम कहीं चिट्ठी डाले थे उसके पैसे हमारे को आए नहीं.
तो मैं रात में जो है फेसबुक पे 12:30 ऐसा 12:45 के टाइम पे फेसबुक पे लिख के वो लड़की की माँ का अकाउंट नंबर डाला मैं, तो 45 मिनट्स में उसके अकाउंट में 2 लाख रुपीस आ गए। तो उसके बाद में फिर सेकेंड डे हम ये करें कि जो लोग मकान का किराया देने के लिए परेशान थे, तो हम मकानदार का गूगल पे नंबर डाल के लिखे कि इनका इतना महीने का किराया है, हम उनसे बात किए मकानदार से कि 6 महीने का किराया बाकी है, भाई मैं 4 महीने का किराया दिलाता हूँ आपको, आप 2 महीने का माफ़ करो। तो कोई भी मकानदार खुशी से माफ़ कर दिया 2 महीने का किराया। फिर उसके बाद में आया कि हैदराबाद की जो बैकबोन है वो है ऑटो इंडस्ट्री या ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन जो है, ऑटो जो चलाते लोग, तो हैदराबाद में जो है मोर देन 45,000 ऑटोस है, जिसमें से 38,000 जो है फाइनेंस पे है ऑटोस, और 38,000 ऑटोस में 35,000 माइनॉरिटीज़ के थे। तो बहुत परेशान थे कि एक तो ऑटो का इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, फर्स्ट लॉकडाउन के 3 इंस्टॉलमेंट, सेकंड लॉकडाउन के 3 इंस्टॉलमेंट, 6 इंस्टॉलमेंट इनटू इंटरेस्ट इनटू कंपाउंड इंटरेस्ट, ज़िंदगी भर नहीं बन सकता उन्हें। तो मैं हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस से, क्योंकि ऑटोस खींच रहे थे ये लोग, ज़बरदस्ती खींच रहे थे, तो हमारे तीनों कमिश्नर्स जो है साइबराबाद, रच्चाकुंडा, हैदराबाद, हमारे साइबराबाद कमिश्नर मेरे क्लासमेट ही है, अब हमारे रच्चाकुंडा कमिश्नर हमारे पुराने DCP साहब है और बहुत ही इनोवेटिव पुलिस ऑफिसर है वो। तो हम फर्दन ये लोगों से बात करके कि थोड़ा हम प्रेशर कराए के फाइनेंसर्स को ऑटोस को सीज नहीं करना। उसके बाद में पूरे तेलंगाना के फाइनेंस एसोसिएशन की हम मीटिंग लेके ये बोले कि हम आपको 3 इंस्टॉलमेंट्स अब देते, 3 इंस्टॉलमेंट्स आप कैरिड फॉरवर्ड कर देना विदाउट एनी इंटरेस्ट, ऑल 6 इंस्टॉलमेंट्स। वो लोग राज़ी हो गए, हम अपील करें जाके हमारे उर्दू एडिटर्स को बात करें, क्योंकि ये हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में ये है कि लोग पैसा देने के लिए राज़ी है, रास्ता बताओ बोल रहे, आप रास्ता बताओ, आप इन्हें जेन्यून केस है बोल के मैं आइडेंटिफाई करके डाला, अगर फ़र्ज़ करिए ये लेडी की कुछ सर्जरी कराना है, मैं इनका अकाउंट नंबर, इनका मेडिकल रिकॉर्ड सब देख के 1 घंटे के अंदर इनके अकाउंट में पैसे आ जाते, 1 घंटा, ज़्यादा देर भी नहीं। मैं ये रमज़ान में तो हमारा ऐसा चलता, हम 24 आवर्स काम करना पड़ता, तो जो भी पब्लिक आती है हम उनका पहले मेडिकल रिकॉर्ड्स वेरीफाई करते, उनका आधार कार्ड देखते, उनका पैन कार्ड देखते, पूरा उनका डॉक्यूमेंटेशन, थोड़ा उसका लोकल इंक्वायरी करा लेते हम कि ये बात सही है या नहीं है। उसके बाद में उनका अपील बनाते, उनका वीडियो अपील बनाते, बना के हमारे फेसबुक पे डालते और उसका मसला हल होता। तो हमारा थोड़ा सा टाइम जो है आपका बड़ा मसला हल हो जाता, पैसे देने के लिए लोग तैयार है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरब, कुवैत, इतने पैसे देने के लिए लोग तैयार है, रास्ता बताओ बोल रहे। क्योंकि आजकल का जो IT प्रोफेशनल्स, जो यंग स्टूडेंट्स है, दोज आर अर्निंग लैक्स ऑफ रुपीस, दे वॉन्ट टू स्पेंड सम ऑफ देर हार्ड इनकम मनी ऑन द पुअर, गरीब लोगों को हम मदद करना चाह रहे हैं। तो अब जैसा अब यहाँ पर भोनगिरी ये टाउन है, यहाँ पर आप आइडेंटिफाई करिए, हमारे अहमद मियाँ सुनिए, आप यहाँ पर आइडेंटिफाई करिए कि यंग विडोज कौन है, क्योंकि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में यंग विडोज बहुत है, 20 साल से लेके 30 साल तक 3 बच्चे, 4 बच्चे, या तो उन्हें डाइवोर्स है, या तो खुला हो गया उसका, या हस्बैंड ना डाइवोर्स दे रहा ना खुला दे रहा उसको, या हस्बैंड उसका मर गया, ऐसे कितने विडोज है आपके ने उनको आइडेंटिफाई करिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, वेदर शी इज़ ए हिंदू और शी इज़ ए मुस्लिम। क्योंकि मज़हब जो है यह कोई ये नहीं देखता कि इन्हें विडो कैसा है बोल के, आप वैसे विडोज को आइडेंटिफाई करिए। आप एक बड़ा यहाँ पर एक टेलरिंग सेंटर डालिए, यहाँ पर 1-2 ट्रेनर्स को रखिए, उनको टेलरिंग सिखाइए, उनको ब्यूटिशन का वर्क सिखाइए। आज के दौर में अगर कोई एक लड़की ब्यूटिशन का वर्क सीख ली, हफ्ते में 1 दुल्हन को तैयार करी तो उसको 10,000 रुपये आमदनी होती, कब तक उन्हें पत्थर फोड़ेंगी, कब तक उन्हें गम पे उठाएंगी बताइए आप, उसकी एक एज रहती 30-40 के बाद में उन्हें वो मेहनत नहीं कर सकती उन्हें। तो ऐसा कोई एक ब्यूटिशन, या आप हैदराबाद से किसी को बोले तो मैं यहाँ पर भेजता हूँ, उनको डिप्यूट करता हूँ कि यहाँ पर कोई एक बड़ा मुकाम देखिए, उस बाज़ाफ्ता रेंट में लीजिए, 3-4 साल बात करिए, 10 मशीन्स डालिए उसमें, उनको टेलरिंग सिखाइए। पहली चीज़, होममेड कैंडल एंड होममेड सोप इंडस्ट्री होती,
गवर्नमेंट से फ्री कोचिंग है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भी फ्री कोचिंग है, स्टेट गवर्नमेंट की भी फ्री कोचिंग है उसके अंदर, प्लस द गवर्नमेंट इज गिविंग द स्टाइफंड, पैसे भी देते सीखने वालों को, वैसे कुछ कार्य सिखाइए। अब यहाँ पर कोई अगर कोई बीमार है जिसका इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं हो रहा है, उनको अगर आप कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाह रहे हैं, हमारे कने आप पेशेंट को मेरे कने भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद यहाँ पर बिठा के उनका वीडियो बनाइए, उनका अकाउंट नंबर, उनका गूगल पे नंबर, उनका आधार कार्ड आप मेरे को व्हाट्सअप करिए, हम उसको पोस्ट करते हो, मसला हल होता। या नहीं एक दिन फिक्स करिए, आने वाले 10 दिन के बाद में, 15 दिन के बाद में, एक 25 विक्टिम्स को आप आइडेंटिफाई करिए, इसी हाल में हम बैठेंगे उनका, हम हमारी पूरी टीम के साथ हम इधर आते, जैसा मैं निज़ामबाद, भैंसा, बोधन और आपके निर्मल, कामारेड्डी, ये तकरीबन मुकामात पे हमारा काम चल रहा। ये प्रजा दरबार इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि अब दूसरे स्टेट से, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आप सुन के हंसेंगे कि ओडिशा, कई लोग आ रहे हैं हमारे खाने, जो माइग्रेंट लेबर्स है हमारे खाने यहाँ पर, उनको कोई पुरसाने हाल नहीं रहता, वो लोग आते हैं हमारे खाने। तो कोई इररेस्पेक्टिव ऑफ ऐसा कोई टाइम नहीं, कास्ट नहीं, रिलीजन नहीं। सबसे बड़ा मसला और एक है, ये लॉकडाउन के बाद में पेरेंट्स जो परेशान हैं आज के दौर में, पेरेंट्स है कि स्कूल फीस नहीं दे सक रहे हैं, वो लोग जो प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस है, दो दो साल से माँ बाप फीस नहीं दे सक रहे हैं। हम कई लोगों के फीस बनाने में कामयाब हुए, मैं अपील डाला कि भाई एक फैमिली है, चार बच्चे हैं, उनको ये स्कूल की फ़ीस है, दो साल की फ़ीस है, हम प्रिंसिपल से बात करें, प्रिंसिपल खुद 50% डिस्काउंट दे दे रहा उन्हें खुशी से। तो ये पैसे वाले लोग जाके स्कूल में उनकी फ़ीस बन के हमारे को व्हाट्सअप करते रसीद। तो हमारे कहने बहुत ट्रांसपेरेंसी है, आप भोनगिर के फैमिलीज को आइडेंटिफाई करिए, कौन विक्टिम्स है, कितनी दूर है बोलिए, वहाँ पर बिरयानी खा के हैदराबाद में बैठे तो यहाँ चाय पी होती दूर आ जाते, एक घंटे का रास्ता है, हालांकि हैदराबाद से इतना नियरेस्ट मुकाम है, इतना डाउन ट्रॉडन है, यहाँ पर बराबर मेहनत करेंगे आपके साथ, हमारे ACP साहब की है, हमारे बड़े भाई है, MRO साहब है, हमारे कारपोरेटर्स है, इररेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, वी आर हियर टू वर्क विद द डाउन ट्रॉडन एंड द पुअर पीपल। और ये तो बहुत छोटी है, एक्चुअल हमारा टारगेट था 200 पैकेट्स, लेकिन ये रमज़ान में क्या हुआ, थोड़ा ये लोग हमारे कहने आए जब तक देर हो गई, और हमारे कहने क्या हो गया, वो निज़ामबाद, भैंसा, बोधन वाले लोग आके बैठ गए, दादागिरी करके लेके गए वो लोग मटेरियल, नहीं हमको ज़्यादा देना, हमको ज़्यादा देना, कंटिन्यू रखिए काम को। अब आपका 200 टारगेट था, नाउ यू आर गिविंग 70, और कितना है रिमेनिंग, 130, नेक्स्ट मंथ वी विल फिनिश दैट 130। शुक्रिया, खुदा हाफिज। हमारे भोनगिर के MRO वेंकट रेड्डी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने ख्याल को इजहार करें, और यहाँ के वेंकट रेड्डी साहब को आप लोग सब जानते हैं, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे ऑफिस को आते हैं वो लोग का काम मना नहीं करते हैं, इनकम कैश वगैरह जितने भी सर्टिफिकेट से और जो जो भी लैंड के काम से, वो जो भी काम से जो भी माइनॉरिटी आता वो लोग फर्स्ट लाइन में बगैर ठहरे के साहब बुला लेते कि क्या काम क्या है, कई बार हम आप इतनी धूप में बल्कि बैठ के काम करा के देते। आखिर तकरीबन कई सालों से यहाँ पे MRO का काम कर रहे हैं, और कुछ ही शॉर्ट डेज में साहब को प्रमोशन भी मिलने वाला है RDO का। आप लोग सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि साहब के हक में दुआ करिए, मैं साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार अपने ख्याल को पेश करिए। భువనగిరి పట్టణానికి సంబంధించి, పేద ముస్లిం కుటుంబాలకు సంబంధించి, ముస్లిం కుటుంబాల నుంచి ముఖ్యంగా అతి బీద వర్గాలు, ముఖ్యంగా విడో మహిళలు, అతి నిరుపేదలను గుర్తించి వారికి సహాయ సహకారాలు అందించే క్రమంలో భాగంగా ఈరోజు ముఖ్యులు అమ్జాదుల్లా ఖాన్ వారు స్పాన్సర్ చేస్తూ ముఖ్యంగా పేదవారికి చేయితనిచ్చే క్రమంలో భాగంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగిందని చెప్పడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఈ కార్యక్రమానికి చేసిన ACP గారికి మరియు వక్ఫ్ బోర్డు మెంబర్ ఇంతియాజ్ గారికి మరియు వేదిక మీద ఉన్న కౌన్సిలర్ రవికుమార్ గారికి అలాగే కోఆప్షన్ మెంబర్ గారికి, వేదిక మీద ఉన్న ఇష్రత్ జహాన్ గారికి మరియు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ప్రెస్ మిత్రులకి మరియు ఈరోజు భువనగిరి పట్టణం నుంచి వచ్చిన మహిళలకి, ముస్లిం సోదరి సోదరులందరికీ నా యొక్క నమస్కారములు తెలియజేస్తూ, ముఖ్యంగా
అట్టడుగు వర్గాల నుంచి వారికి ముఖ్యంగా వారికి చేయూతనిచ్చే క్రమంలో భాగంగా ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేసి వారికి సమాజంలో ఒకరిగా గుర్తింపు పొందడానికి వారికి నిజంగా నిరుపేదలకు ఉపయోగపడే విధంగా ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు చేయడం చాలా సంతోషకరం. కాబట్టి ఈ రకంగానే కాకుండా ప్రభుత్వ పరంగా కూడా ఏదైతే ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలు ఏదైతే ఉన్నాయో వారికి సంబంధించి ముఖ్యంగా నిరుపేదలకు అందే విధంగా ఖచ్చితంగా భువనగిరి పట్టణంలో ముఖ్యంగా నిరుపేద మహిళలకి నిరుపేద ప్రజలకి ముఖ్యంగా మైనారిటీ వర్గాలకు సంబంధించి ఏ స్కీమ్స్ ఉన్నా కూడా ఖచ్చితంగా వారికి వచ్చే విధంగా కృషి చేస్తామని తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి నన్ను పిలిచినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తుంది. मैं और एक मैं जब भी मैं एसीपी साहब को यहाँ पे साहब ऐसा गरीब आवाम के लिए ऐसा राशन तकसीम कर रहा हूँ, वो लोग के लिए कपड़े तकसीम कर रहा हूँ, तो कभी भी वो लोग साहब मना नहीं करे, अपना कीमती वक्त यहाँ पे दी, इससे तीसरी चौथी मरतबा यहाँ पे आए साहब, मैं साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना ख्याल आपको पेश करें. ఈ వేదికను అలంకరించినటువంటి ఎంబీటీ లీడర్ ఫేమస్ అమ్జదుల్లా గారికి మరియు ఇంతియాజ్ ఖాన్ అండ్ ఒక్తోర్డ్ మెంబర్ జహాన్ ఇస్రాన్ గారికి హ్యూమన్ రైట్స్ అంటే ఒక్తోర్డ్ మెంబర్ జిల్లా అన్అఫీషియల్ మెంబర్స్ దే ఆర్ ఆల్సో అండ్ ఎంఆర్ఓ సార్కి వెంకటరెడ్డి గారికి మరి రవికుమార్ గారికి సలావుద్దీన్ గారికి మరి ఎక్స్ అఫీషియల్ ముల్తాన్ షా గారికి మరియు ఇక్కడ వచ్చినటువంటి సోదరి సోదరి మనులకు నా యొక్క నమస్కారములు. ఈ ప్రోగ్రాం గతంలో కూడా ఈ ఇంతియాజ్ గారు అటెండ్ అయినా, నేను కూడా అటెండ్ అయినా రీసెంట్లీ, చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఇలాంటి చేస్తున్నాడు. అదే ఈ ఈ ప్రోగ్రామ్ వెనక మీరు కూడా ఉన్నారని నాకు తెలియదు, కానీ అది ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా మంచిగా చేస్తున్నారు. ఇది అందరికి ఉపయోగకరంగా ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కంటిన్యూ చేయాలని మీ అందరినీ కోరుతున్నాను. మా వంతు కూడా ఎప్పుడన్నా అడిగితే డెఫినెట్లీ వీళ్ళ సహాయం చేస్తాము, మరియు మా అఫీషియల్గా చేయవలసిన డ్యూటీస్ అన్నీ కూడా రాగానే తొందరగా చేస్తామని మీ అందరి ముందు మేము హామీ ఇస్తున్నాము. ఇట్లాంటి మీ వచ్చినటువంటి అందరికీ నా యొక్క నమస్కారం తెలియజేస్తూ థ్యాంక్స్ చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ. आप नामा पुकारते जाओ, वहाँ से देते जाओ, ये सब सब हाथ से देने लगा. बाद में बोलो क्या नहीं, वो बाद में रखो, सुनो मेरी बात, देर हो रही है. आप पहले नामा पुकारो, होगा बेचे नो सफिया पाणी नगर. हाँ सर, नेक्स्ट कौन है? गौसिया इस्तिया भैया, वहाँ पे जाइए, इधर इधर उधर 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 आ जाओ. हाँ गौसिया आए, नेक्स्ट कौसर, कौसर बुद्धन, कौसर खातून, नेक्स्ट एक इनको दे देना. जिसका नाम बोला है उन्होंने चाहो जरा पीछा टॉम आप लगा, आप चेक करो जो लोग. हाँ कौसर खातून, कौसर खातून आ गए जी. हाँ मोहम्मद बशीर खान, मोहम्मद बशीर खान यहाँ ले गया, यहाँ ले गया. हाँ जी हाँ, रहमतुन्निसा, रहमतुन्निसा, रहमतुन्निसा आप है, रहमतुन्निसा, रहमतुन्निसा कौन है, रहमतुन्निसा, रहमतुन्निसा क्या बात लगे.
सफिया 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 नहीं है, हो गए। अच्छा आप पुकारो ना, आपको मालूम है ना। शेख रशीद, शेख रशीद, मोहम्मद मुजफ्फर, मोहम्मद मुजफ्फर, हाँ जी उनको दे दो। और एक लियो पैकेट, हाँ मोहम्मद मुजफ्फर सब। गौसिया, गौसिया, हाँ महमूद भी, महमूद भी, होशिया, हाँ नूर कासिम भी, कासिम भी, कासिम भी, आप है माँ रजिया बेगम, रजिया बेगम, अरे शेख रेहाना, हो गए ये भी, हो गए ये, हो गए और एक घंटा हो गए। रफिया सुल्ताना, रफिया सुल्ताना, रफिया सुल्तान, ये हो गए। रफिया सुल्ताना कौन है, रफिया सुल्ताना,